एक कप मूंग दाल ली है, इसे 2 से 3 बार साफ पानी से मसल मसल कर धो लेंगे। अभी इसका सारा पानी निकाल देते हैं। अभी इसमें डालेंगे गरम पानी और इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से गरम पानी में भिगोकर रख देंगे। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ। 1 घंटे के बाद दाल हमारी इस तरह से फूल गई है, तो अभी इसका सारा पानी निकाल देते हैं। अभी मैंने इसे इस तरह से छन्नी में डालकर इसका सारा पानी निकाल दिया है। दाल को डाल लिया है मिक्सर के जार में और अभी डाली है 5 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। जरूरत हो तो पानी डालें, बिना पानी के ही छोड़ देंगे। इसे निकाल लेंगे एक खाली बर्तन में। अभी डालेंगे 1 पिंच हींग, अजवाइन, 1 चम्मच सफेद तिल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच तेल डाला है मोयन के लिए। अभी इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसका डो थोड़ा सा हम टाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अभी इसे रखते हैं साइड में। अभी 1 चम्मच लिया है घी, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे भी रखते हैं साइड। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। इन्हें बेलने के बाद इस तरह से थाली में रखते जाएंगे। अभी इसके ऊपर से लगाएंगे इस तरह से घी और कॉर्नफ्लोर वाला मिश्रण। इसे अच्छे से फैलाएंगे। इसके ऊपर से रखेंगे अगली चपाती, इसके ऊपर भी मिश्रण फैलाएंगे, इसके ऊपर से रखेंगे अगली चपाती, इस पर भी मिश्रण को फैला देंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फैल गया है, तो अभी हम इसका इस तरह से रोल बना लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन रहा है। तो अभी इन्हें चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा सा पतला पतला काटेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से काटने के बाद अब हम इसे हल्का सा इस तरह से लंबा सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बेल लिया है। तेल को एक बार हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है, फिर लो फ्लेम करके तल। कुछ देर के बाद इन्हें पलट लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्पी से तल गए हैं। नमकीन हमारा बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।